सो दोस्तों जिस बात का डर था वही हो चुकी है, बारिश आ चुकी है। देखिए भीग रहे हैं ऐसे, कुछ ऐसी कंडीशन है अभी, बारिश हो रही है और गाड़ियां रुक नहीं रही हैं। हम थोड़ा सा ऊपर आ गए थे, नीचे बहुत भीड़ थी तो। और सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऊपर, अभी गौरीकुंड यहाँ से थोड़ा सा है और ये हमारे नेपाल। गाइस ये देखो पब्लिक, पब्लिक ऑन रॉक गौरीकुंड भाई। ये देखो भाई भीड़ क्या है इधर। ये देखो गाइस क्या कंडीशन होती, कितना ट्रैफिक होता है इधर। हम लोग को लगता है कि इधर आना सही है, ठीक है आओ, लेकिन यहाँ ट्रैफिक बहुत होता है मेरी जान। ओए ओए बैक जाना पड़ेगा। सेट नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा। ये देखो भाई भाई आराम आराम से निकालनी पड़ेगी, बहुत बहुत गंदे पैच है भाई इधर, हालत खराब हो रखी है सच बता रहा हूँ। गाड़ी तो मुझे ऐसी लग रही ना कम से कम 5 क्विंटल की, सामान है ना इधर उधर डोलना कच्चे रूट पे। अभी तक तो किसी ने हमसे गाइस रजिस्ट्रेशन के लिए पूछा नहीं है, बट अगर पूछेंगे तो गलती मतलब क्या दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। उम्मीद करते हैं कि ना पूछें, ठीक है। एक अंकल जी बोल रहे थे कि जिस दिन कपाट खुलते हैं उस दिन के लिए कोई ये रजिस्ट्रेशन नहीं पूछता, उसके बाद पूछते हैं, तो देखो क्या ही होता है। और भाई सच बता रहे हैं आज तो हालत ख़राब हो गई। क्या बोलते हो नानू भाई? नानू भाई भी पीछे बैठे बैठे यार हालत ख़राब हो गई उनकी भी। आप देखो बाबा केदारनाथ बाबा के लिए भीड़ दर्शकों की, अभी क्या कहते हैं दर्शनार्थी हैं सारे के सारे। अभी थोड़ी देर में देखना नीचे क्या ट्रैफिक होगा भाई। आगे और अगला भाई डीएल से है दिल्ली से। ओ हो गलत आ गए। ओ दो गाड़ियां निकल जाती तो सही हो जाता। NDRF ओहो भाई बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। पार्किंग में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी आई डोंट नो। सारे घोड़े खच्चर अलग आ रहे हैं, क्रेन अलग आ रही है, देखो पीछे तक क्या ट्रैफिक है। ये देखो घोड़े खच्चर आ गए भाई, एक लात मार दी ना इनने हमारे, हालत खराब कर देंगे। फाइनली फाइनली एट सोनप्रयाग, तो यहाँ से अब उधर पार्किंग में गाड़ी खड़ी होंगी, ठीक है। ये मेन पैच है जहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। चलो ब्रदर चलो चलो चलो, हर हर महादेव भाई। यहाँ तो गाड़ी थमाने की हिम्मत मतलब गाड़ी को थामने की हिम्मत भी नहीं आ रही है, गला सूख गया एकदम। तो गाइस फाइनली पहुंच गए सोनप्रयाग पे और
और ये नीचे पार्किंग है भाई, इधर पार्किंग होगी गाड़ी। ये देखो भाई, ये लग गया भाई सिक्ट। पिछली बारी हमने उधर अंदर ऊपर करी थी यार गाड़ी खड़ी, इस बारी पता नहीं कहाँ करवाते हैं। पूरा देख लो भाई कितना भीड़ है केदारनाथ में। सोनप्रयाग में सॉरी। सो गाइस अभी नीचे जाना पड़ेगा, इधर से पर्ची लेनी पड़ती है। नानू भाई मैं पार्किंग लगाता हूँ, तुम पर्ची लो। यहाँ से पर्ची लेनी पड़ती है। नानू भाई हाँ पर्ची यहाँ से, अरे इसको पकड़ लो। सो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके सोनप्रयाग, ये हमारे सुनील भाई बेतालघाट से। सो सुनील भाई कैसा रहा सफर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया रहा तो अभी पर्ची कटवाते हैं। नानू भाई कैसा लग रहा है? हालत खराब हुई है यार, देख रहे हैं ये। चलो अभी कम करवाते हैं, तुम्हारा सब एडजस्ट करवाते हैं। मेरे पास भी है गाइस, ये देखो ये पर्ची वर्ची कटवाते हैं पहले। ये देखो भाई हमारे साथी लोगों का सामान, 25 किलोमीटर के ट्रैक में चले हैं और ऐसे हम पहुंचेंगे क्या उधर। भाई देख रहो कल जो भीड़ होने वाली है ना रास्ते में डोली के साथ में। क्यों? बहुत तगड़ा सीन रहने वाला है, बहुत तगड़ा सीन रहने वाला है। सो ऑलराइट गाइस, अभी हमने सोनप्रयाग में गाड़ी पार्किंग करवा ली है। पर डे का 100 रुपीज़ है तो करवा लिया है, बाकी अपना हेलमेट रखवा लिए हैं लॉक रूम पे और आप चल रहे हैं। आप लोग भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। तो हर हर महादेव पहुंच गए फाइनली। आ जाओ भाई, हर हर महादेव। बढ़िया। हेलो हेलो हेलो, मेरा लव भाई और नानू। तो भाई चल रहे हैं अब। सो दोस्तों ये वो पड़ाव है जहाँ से आपको गौरीगंड के लिए टैक्सी मिलेंगी। टैक्सी आपको 50 रुपये पर पर्सन पर मिलेंगी। और ये देखो वहीं जाना पड़ेगा हमें, गाड़ियाँ इधर कोई रुक भी नहीं रही, यहाँ से जाएंगे हम। और नीचे आप नदी में देख सकते हैं घोड़े खच्चर सब घास फूस खा रहे हैं मस्त करके, पानी पी रहे हैं। और ये अपनी मंदाकिनी नदी है, मस्त करके देखिए। हाँ जी क्या हाल चाल? टैक्सी कब मिलेगी? टैक्सी मिलेगी कल सुबह 5 बजे। तो गाय जैसे थके यार, टैक्सी मिल नहीं रही है, बैठे बैठे मूड खराब हो गया। सही है। चलो सुबह आप यहाँ से ले सकते हैं घोड़े खच्चर अगर आप लेना चाहें। वैसे आप पैदल ही जा सकते हैं अगर आप कैपेबल हैं। बाकी सामने देखो विश्राम गृह। और बारिश आ रही है तेज तेज, टैक्सी भी फुल हो जा रही है। तो अभी हम ऊपर तक पैदल चल रहे, ऊपर से पकड़ लेंगे उससे कहेंगे तब भी हमें नीचे लेके जा। बारिश होने लग गई। और दाई कहाँ रहते हो आप? नेपाल में कालीकोट। तो ये दाई हमारे कालीकोट में रहते हैं नेपाल, बताओ। सो दोस्तों जिस बात का डर था वही हो चुकी है, बारिश आ चुकी है। देखिए भीग रहे हैं ऐसे ये। हाँ ये देखो सुनील भाई इधर। वेट करते हैं हम बारिश थमने का, नहीं तो हम यहीं पर थमे रह जाएंगे। क्या बोलते हो? टेंट भी लगाना भाई। टेंट भी लगाना भाई इस बारिश में? लगाएंगे टेंट इस बारिश में, क्या टेंट लगाएं वैसे ही भीग जाएंगे। सो गाइस कुछ ऐसी कंडीशन है, अभी बारिश हो रही है और गाड़ियाँ रुक नहीं रही हैं। हम थोड़ा सा ऊपर आ गए थे, नीचे बहुत भीड़ थी तो, और पोपट हो गया। तो अगर आप रुके तो वहाँ मतलब बहुत लंबा रुकना पड़ेगा, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है कितना देर में आपका नंबर आएगा। तो बारिश हो रही है, सामान है पीछे, तो चलते हैं आगे, बाकी अपडेट देंगे आपको बाद में। तो सांप ही नहीं आ रहा। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं ऊपर, अभी गौरीकुंड यहाँ से थोड़ा सा है। और ये हमारे नेपाल के दाई जी हैं, ये ऊपर जा रहे थे, थोड़ा हमारा स्लीपिंग बैग पकड़ा, इन्हें हेल्प करी बहुत। तो भाई नेपाल के लोग बहुत अच्छे होते हैं, और यहाँ मतलब ना कुछ लोगों ने बहुत बुरा बर्ताव भी करा था, आप समझ गए होंगे कौन है वो लोग। और बाकी आ रहे हैं। और कैसा रहा सफ़र? सही रहा, टैक्सी वाली नहीं मिले कोई बात नहीं। गाइस मैं बताऊँ 150 रुपये बच गए ना, बढ़िया मैगी खाएंगे कोई बात नहीं। और सुनील भाई, भाई सुनील भाई का भी चैनल है, हमारा भी है, एक दूसरे की ऑडियंस, भाई भाई बन जाओ, भाईचारा ऑन टॉप। गाइस ये देखो पब्लिक, पब्लिक ऑन रॉक गौरीकुंड। भाई देख रहे हो क्या पब्लिक है इधर, आज हमारा ये भाई हमारा मीटअप आज।
देख लो हमारे मीटअप में पब्लिक देख लो आप, वो हमें नहीं पहचान नहीं रहा कोई भाई, इतने बड़े यूट्यूबर यहाँ घूम रहे हैं। चलो ये देखो भाई भीड़ क्या है इधर, नहीं नहीं वहाँ नीचे वो हो रही होगी ना। सुनील कहाँ है सुनील? सुनील नहीं दिख रहा भाई, वो कहाँ गया? सो गाइस आगे पीछे भीड़ देख लो, तगड़ी है तगड़ी। सामने बाबा की डोली देखो नीचे। अभी जा रहे हैं हम भी पास में ही, दर्शन हो जाएंगे तो अच्छा है, मेहनत सफल हो जाएगी हमारी। हाँ चलो चलो चलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देख लो गाइस कितनी भीड़ है अभी। Yeah.
है।